भोपाल के 1250 क्वार्टर क्षेत्र में मंत्रियों विधायकों के लिए 29,000 पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दी गई, जिसको लेकर नूतन कॉलेज के सामने दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास सबनानी का लोगों ने सम्मान किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सहित आम जनता मौजूद रही। पेड़ों को ना काटे जाने का विरोध लगातार आम जनता और विपक्ष कर रहे थे। वहीं पेड़ काटे जाने की खबर पर भगवान दास सबनानी खुद मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों को ना काटे जाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद पेड़ काटने का निर्णय बदल दिया गया। इस मौके पर विधायक सबनानी ने कहा, वो भोपाल के बासिंदे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी पेड़ न कटने के निर्णय पर आभार जताया। वहीं पर्यावरणविद सुभाष पांडे ने इसे जनता की जीत बताया और पर्यावरण को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने की भी बात कही। जिस दिन ये समाचार छपा था उस दिन ही मेरे मित्र सुयेश कुलश्रेष्ठ जी ने मुझे कहा कि हम सब लोग मिलकर के इसको बचाने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा आप हमेशा मेरे को अपने बीच में पाएंगे, जब आप बुलाएंगे तब आपके साथ हूँ। और यूं भी मैंने उसी दिन ही माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी स्थानीय शासन मंत्री हैं उनसे बात की, बाद में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात की। मैंने कहा अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, हम भोपाल के विकास के समर्थक हैं, लेकिन पेड़ काट कर इस कीमत पर तो हम कतई तैयार नहीं हैं। और जब ये बात हुई तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल होती है भोपाल को बचाने के लिए। भोपाल की अगर सांसें उखाड़ने की तैयारी अधिकारियों के द्वारा की जा रही थी तो उसको रोकने का प्रयास कल ये सुखद समाचार दोपहर में मिला कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने उस पूरे प्रस्ताव को वापस लेकर के नए सिरे से जनता के साथ एक विचार करके नए प्रोजेक्ट पर बात होगी। तो चाहे वो विधायकों का आवास हो चाहे मंत्रियों के आवास हो, वो ऐसी जगह बने जहाँ पेड़ न कटे, क्योंकि भोपाल की पहचान तालों से है, छेल शिखरों से है, ये हरियाली से, इस हरियाली को हटा करके तो फिर